लकम डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अहम टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं ई वी एम पेपर्स ई वी एम पेपर्स वो फॉर्म्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जमा करने हैं जब आप रिसेप्शन सेंटर पे पहुंचोगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलेक्शन तो ई के साथ ये कुछ फॉर्म्स जो हैं वो आपको सबमिट करने हैं इनको चेक किया जाएगा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे मास्टर एनविलोप का जिसे हम कहते हैं मास्टर एनविलोप फॉर ई वी एम पेपर्स और इसमें ऊपर लिखा होगा टॉप राइट कार्नर पे सर्कल में लिखा होगा वन ओब्लिक वन ए सी ए सी मीन्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इस मास्टर एनविलोप जो हमारे पास है फॉर ई वी एम पेपर्स इसमें हमारे पास होगा एनविलोप फार अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड यानी हमारे पास होगा फॉर्म सेवनटीन सी फॉर्म सेवनटीन सी को भी आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ये वीडियो लंबा हो सकता है आराम से देखें सारे कंसेप्ट आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे फार्म सेवनटीन सी का जो एनविलोप है उसका जो नंबर होगा उसका भी टाइप राइट कारनर इस तरह से नंबर होगा लेकिन वहाँ होगा वन पब्लिक टू जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी डिस्प्ले हो रहा है दिस इज द एनविलोप इसको आपने सील नहीं करना है पहली चीज ये जाएगी मास्टर एनविलोप में कौन सा मास्टर एनविलोप मास्टर एनविलोप फॉर ई वी एम पेपर्स दूसरी चीज़ इसमें क्या जाएगी ऑफ फॉर प्रजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट यहाँ पर देखे प्रेजिडिंग ऑफिसर रिपोर्ट पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका एनविलोप भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसके टॉप राइट कॉर्नर पर इस तरह से लिखा होगा वन ओब लीग थ्री वो भी आपको दिख रहा होगा दैन वी हैव वी वी पी ए टी स्लिप्स जो वोटर वेरीफाइबल पेपर आर ट्रायल जो हमारे पास होता है वी वी पैट उससे जो स्लिप्स निकलती हैं आफ्टर मार्क पोल उनको हमने एक ब्लैक पेपर में डालना है और उसको लिखा होगा वन ओब्लिक फोर याद रखे टॉप राइट कार्नर पर यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वन बाय वन हर एक फार्म को डिस्कस करना है जैसे फार्म सेवेंटीन सी है जब इसको अपने एनविलोप में डालेंगे तो इसको सील नहीं करना है जब प्रजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट तीन पार्ट हम डालेंगे अपने एनविलोप में इसका एनविलोप जो मैंने आपको दिखाया उसको भी सील नहीं करना है देन वी हैव ब्लैक एनविलोप फॉर वी वी पी आई टी स्लिप्स उसको ब्लैक कलर के इस लिफाफे में एनविलोप इसका दिया गया है वन ओब्लिक फोर तो इसमें सील करना है इसको प्रॉपरली सील करना है और बाहर से इसको पिंक जो पेपर सील दी जाएगी वो लगानी है किसको जो ब्लैक एनविलोप है फॉर वी वी पी आई टी स्लिप्स ऑफ मार्क पोल तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे जब आपने फॉर्म सेवनटीन सी को अपने लिफाफे में डाल दिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर को भी प्रेजाइडिंग आफिसर रिपोर्ट को भी अपने लिफाफे में डाल दिया वी वी पे पी आई टी स्लिप्स जो है उनको भी अपने लिफाफे में डाला जो आपको मैंने अभी दिखाए फिर उन तीनों लिफाफों को हमने इस मास्टर एनविलोप में डालना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिस वक्त आप ईवीएम डिपॉजिट कर रहे होंगे आपका कंट्रोल यूनिट है आपका बैलेट यूनिट है एंड वी वी है आफ्टर क्लोजिंग पोल जब आप जाएंगे वापस ये मशीनें जमा करने तो ये डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे इसलिए ये वीडियो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म सेवनटीन सी जिसका पार्ट वन हम लोगों ने भरना है डेट इज़ अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड पहली चीज इसमें है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल ओब्लिक लेजिटिव असम्बली ऑफ द स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले लेजिसलेटिव असेंबली ऑफ़ द स्टेट स्टेट को छोड़ के यहाँ पे यूनियन टेरीटरी को आप टिक करेंगे यहाँ पे आपने स्टेट का नाम लिखना है या यूनियन टेरिटरी का नाम लिखना है एंड देन हियर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिटुएंसी आर वी कैन से असेंबली सेगमेंट जहां पे आपकी ड्यूटी लगती है यहां पे नेम, नेम आप स्टेशन यहाँ पे आपने जो कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट और प्रिंटर यानी वी वी पी आई टी दिया गया है उनके सीरियल नंबर यहाँ पे आपने लिखने हैं देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन या आपको मार्केट काफी ऑफ इलेक्टोरल रोल के पेज वन से ही पता चलेगा दैन वी हैव टोटल नंबर ऑफ वोटर एज़ इंटर्ड इन द रजिस्टर फॉर वोटर फॉर्म सेवनटीन ए जो कि पी टू के पास रहता है फार्म सेवनटीन ए जिसमें वो वोटर्स की इंट्री करता है तो हमने ये लिखना है आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ पोल कितने वोटर्स को हमने इंटर किया है सेवनटीन ए में उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना है डेट इज़ नंबर ऑफ वोटर डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट अंडर रूल फोर्टी नाइन ओ जिन्होंने रिफ्यूज़ किया वोट करने से उनका नंबर अगर है कुछ तो लिखोगे वो नंबर अगर नहीं तो निल देन वी हैव पॉइंट फोर नंबर ऑफ वोटर नॉट अलोड टू वोट अंडर रूल फोर्टी नाइन एम फोर्टी नाइन एम में क्या होता है जो वोटिंग प्रोसीजर को या वोटिंग की सिक्रेसी को वायलेट करता है तो उसको प्रजाइडिंग ऑफिसर जो है वो वोट देने नहीं देगा अगर है ऐसे कुछ लोग आप लिखेंगे नंबर अगर नहीं तो निल दैन वी हैव टेस्ट वोट रिकॉर्डेड अगर कोई हमारे पास इलेक्टर आता है वो क्लेम करता है कि मैं जब मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया वहाँ पे किसी और की स्लिप और किसी का नाम निकलता है तो उस केस में टेस्ट वोट होता है तो आपने देखना है कि टेस्ट वोट आपने कितने करवाए टोटल नंबर उनका लिखना है और सीरियल नंबर ऑफ अलेक्टर्स उनका सीरील नंबर क्या है फार्म सेवनटीन ए में अगर एक किया तो एक का ही सीरियल नंबर आएगा दो लोगों ने किया है तो दो का होगा ठीक है और फिर यहाँ पे बी वाले पार्ट में लिखना है सीरियल नंबर नेम ऑफ कैंडिडेट उस कैंडिडेट का सीरियल नंबर क्या है बैलेट पेपर के ऊपर उसका नाम क्या है कितने वोट पड़े देन वी हैव पॉइंट नंबर सिक्स टोटल नंबर ऑफ वोट रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन ई में कितने वोट टोटल हैं जब आपने टोटल दबाया आपने पोलिंग क्लोज की फिर टोटल चेक किया कितने वोट पड़े वो लिखने हैं पॉइंट नंबर सात में कह रहा है क्या आपने चेक किया सेवेंटीन ए में से जब आपने माइनस किया यहाँ पे रिफ्यूज टू वोट वाले नॉट अलाउड टू वोट वाले तो क्या आपको कोई डिस्क्रिपेंसी कोई फर्क फिर दिखा आपको यहाँ पे ई और सतारा ए में तो आप लिखोगे यहाँ पे नो नंबर ऑफ वोट्स टू होम टेंडर बैलेट पेपर्स फॉर इशूड अगर किसी वोटर की जगह ऑलरेडी कोई वोट देता है तो वो ई के थ्रू तो वोट नहीं दे सकता उसके तो लिए टेंडर बैलेट पेपर है एट एनी कास्ट ही विल नॉट ही आर शी विल नॉट बी अलोड टू कास्ट हीज आर हर वोट यूजिंग ई वी एम उसके लिए बैलेट पेपर आते हैं यहाँ पर आपने लिखना है रिसीव फॉर यूज कितने किस सीरियल से किस सीरियल तक वोटर्स को कितने दिए किस सीरियल से किस सीरियल तक अनयूज कितने रिटर्न किए किस सीरियल से किस सीरियल तक अब अहम चीज़ यहाँ पर जो हमारे पास है डेट इज़ पेपर सील अकाउंट पेपर सील अकाउंट में हमारे पास क्या है पेपर सील सप्लाइड फॉर यूज कितनी आपको इस्तेमाल लिए दी गई यहाँ पे किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक ठीक है यहाँ पे थोड़ा ये टू आगे चला गया है पेपर सील यूज कितनी आपने यूज की यहाँ पे नंबर लिखना है किस सीरियल से किस सीरियल तक अनयूज पेपर सील जो आपने अनयूज रिटर्न की कितना उनका नंबर था किस सीरियल से किस सीरियल तक और उसके बाद डैमेज पेपर सील उनका भी टोटल नंबर कितना है किस सीरियल से किस सीरियल तक अगर कोई डैमेज हुई होगी इस साइड से यहाँ पे सिग्नेचर आप पोलिंग एजेंट होंगे वन टू तो, थ्री जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा परेशानी होगी देखने में वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है तो वहाँ पर आपने पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनके सिग्नेचर भी करवाने हैं तो फाइनली इसमें क्या करना है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर आएगा और यहाँ पर सिग्नेचर होगा किसका प्रजाइडिंग ऑफिसर का डेट पोल एंड प्लेस इज यो वी विल डिस्कस प्रजाइडर्स रिपोर्ट इसमें पाँच पार्ट होते हैं पार्ट वन से लेकर पार्ट फाइव तक लेकिन याद रखिए जो हमारे पास एनविलोप है वन अपान थ्री उसमें हमने प्रजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट जो है उसका पार्ट वन पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड डालना है ये एनविलोप वन अपान थ्री जो है किस मास्टर एनविलोप में डालना है जो मैंने आपको पहले ही दिखाया वन अपान वन डेट इज़ द मास्टर एनवेल ऑफ आर ए वी एम पेपर्स अब इसमें क्या है नेम ऑफ एलेक्शन इसमें आप लिखेंगे जनरल एलेक्शन टू द लेजिस्टिव असम्बली उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ असम्बली कॉन्स्टिट्युएंसी आर असम्बली सेगमेंट यहाँ पे आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी ड्यूटी लगती है उसका नंबर एंड नेम लिखेंगे नंबर एंड नेम ऑफ पी यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिटुंसी जो है जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिटुंसी में आपकी असेंबली कॉन्स्टिटुएंसी आती है उसका नंबर एंड नेम जैसे अगर मैं अपने केस में यहाँ पे लिखूँगा तो आई विल राइट फोर उधमपुर देन वी हैव पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम हमारे पास पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम क्या है ये भी आपके आर्डर पर होगा याद रखिए पार्ट वन का जो नाम है पार्ट वन का नाम जहाँ पर याद रखिए दिस इज़ मार्क पोल सर्टिफिकेट पार्ट वन ऑफ़ द प्रजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट इज बेसिकली माघ पोल सर्टिफिकेट अब हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कियर वी हैव टू राइट द सीरियल यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा इनक्लूडिंग नोटा टू बी प्री प्रिंटेड जो आपको प्री प्रिंटेड आएगा कैंडिडेट्स के नाम और साथ में नोटा भी आएगा जो आपने ड्यूरिंग माघ पोल वो वोट्स डाले वो यहाँ पे लिखने हैं नंबर ऑफ वोट्स कास्ट ड्यूरिंग मार्क पोल कितने आपने डाले नंबर ऑफ़ वोट डिस्प्लेड इन सी यू ऑन चेकिंग रिजल्ट जब हम रिजल्ट वाला बटन जब हम पोल को पहले क्लोज करते हैं उसके बाद रिजल्ट वाला बटन दबाते हैं उस वक्त क्या रिजल्ट दिखाया उसने नंबर ऑफ़ वी वी पैट प्रिंटेड पेपर स्लिप्स अगेंस्ट कैंडिडेट और हर कैंडिडेट की ई वी एम जो जो हमारे पास सी यू है उसने हर कैंडिडेट को कितने वोट दिखाए वहाँ पर क्या डिस्प्ले हुआ है हर कैंडिडेट की कितनी स्लिप निकली या जो आपने यह भर के रखा था वो मैनुअली क्या वो सारे मैच हो रहे हैं रिजल्ट डिस्प्लेड इन सी यू एंड प्रिंटेड पेपर स्लिप काउंट टेलीड विद ईच अदर ये तो यस करना है आपने हर केस में सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स विद पार्टी ठीक है अब ये किस पार्टी का कैंडिडेट है उस पार्टी का जो एजेंट है आपके पोलिंग स्टेशन में उसका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा इसी तरह से बाकी कैंडिडेट के लिए भी आपने जो है मार्क पोल करना है मतलब ड्यूरिंग मार्क पोल हर एक को वोट डालना है इंक्लूडिंग नोटा ये सब कुछ करने के बाद मिनिमम आपने 50 वोट्स कास्ट करने हैं ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपने जो पी पार्ट में लिखता है क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल इंड हैज़ बीन प्रेस्ड टू तो क्लियर द मार्क पोल जब आपने रिजल्ट दिखाया उसके बाद आपने क्लियर करना है पहले क्लोज देन रिजल्ट देन क्लियर अगर आपने क्लियर प्रेस किया है करना है नहीं करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इफ़ यू देन राइट देंटेंस इन इंक ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपने यहाँ पे लिखना है यहाँ पे तीसरी बात है पूछ रहा है क्या सारी स्लिप्स आपने वी वी से निकाली तो आप लिखेंगे यस एम पी टी वी वी हमने उनको दिखाया यहाँ पे यस बिफोर एक्चुअल वोल इंश्योर ये चीज़ भी आप लोग इंश्योर करेंगे एक्चुअल पोल शुरू होने से पहले आपका वी वी पैट जो है ड्रॉप बॉक्स उसमें कोई स्लिप नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आप यस करेंगे टोटल बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू तो शो वोट ज़ीरो टू तो द पोलिंग एजेंट अब आपने क्या किया टोटल बटन आपने प्रेस किया क्लियर करने के बाद वहाँ पर वो दिखाएगा टोटल वोट पोड जीरो या आपने दिखाया पोलिंग एजेंट्स को तो यहाँ पर करेंगे आप यस उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है मार्क पुल वी वी पैट स्लिप स्टैम्प्ड विथ क्या आपने उनको एक सील आपको दी जाएगी मार्क पुल स्लिप ये सील होगी आपके पास जितनी भी आपके पास वी वी पैट स्लिप्स निकली हैं उनको पीछे से ये लगाएंगे ठीक है एंड सील्ड इन ब्लैक एनवेलप जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसमें आपने इनको सील किया देखो जो ब्लैक पेपर है फार वी वी पी आई टी स्लिप्स उसको आपने क्या करना है सील करना है और साथ में उसके बाद क्या आपने पिंक पेपर सील उसको लगाई उसके ऊपर फिर आपने क्या लगाना है पिंक पेपर सील किया तो यस और करना भी है देन वी हैव ये हमारे पास कुछ पोलिंग एजेंट्स थे यहाँ पे सीरियल आएगा पोलिंग एजेंट का नाम किस पार्टी का है किस कैंडिडेट का है यहाँ पे आएगा सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट जितनी भी पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट होंगे अब अगर जो आपका सी है अगर उसके डिस्प्ले और आपकी जो घड़ी है उसमें कोई टाइम लेग है तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना टाइम का फ़र्क है यहाँ पे आपका आएगा सिग्नेचर ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर यहाँ पे अगर अवेलेबल होगा और साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे नेम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रजाइडिंग ऑफिसर यहाँ आपने अपना साइन करना है और अपना नाम भी लिखना है यहाँ पे और लिख रहा है इट हैज बीन इट इज हेयर बाई टोटल बटन ऑफ द हैज़ बीन प्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स हमने टोटल दबाया ये पहले मैंने डिस्कस की टोटल वोट इज जीरो कंट्रोल यूनिट शोज़ टोटल वोट जीरो यही आपने करना है ठीक है कंट्रोल यूनिट शोज़ टोटल वोट मोर देन ज़ीरो हैंस क्लियर मार्क पोल अगर ऐसा होगा अदरवाइज नहीं जब आप क्लियर करोगे तो कोई ज़ीरो से ज़्यादा नहीं दिखाएगा जीरो ही दिखाएगा देन अगेन हीयर वी हैव द सिग्नेचर ऑफ प्रजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे देखिए कुछ पोलिंग ऑफिसर थे जो विटनेस थे जो आपकी टीम के मेंबर हैं जैसे कि बेसिकली यहाँ पे आप सीरियल दिखेंगे और यहाँ पे आपके जो पोलिंग ऑफिसर्स होंगे उनका नाम पी वन का नाम पी टू का पी थ्री का और यहाँ पे उनके सिग्नेचर्स आएंगे पी वन पी टू पी थ्री का तो इस तरह से हमारा जो ये है पार्ट वन जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट है जिसे हम मार्क पोल सर्टिफिकेट कहते हैं वो कम्प्लीट हो जाता है देन वी हैव पार्ट टू पावर पेक रिप्लेसमेंट इन सी जो पावर पेक रिप्लेसमेंट अगर आप सी में करते हैं चाहे ड्यूरिंग मार्क पोल हो या ड्यूरिंग पोल हो या आफ्टर कंप्लीस ऑफ पोल अगर ऐसा होता है कि आपका पावर पेक आप रिप्लेस करते हो याद रखिए जो पावर पेक होता है पावर पैक वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो ड्यूली सील्ड होता है कैंडिडेट सेक्शन भी वो भी सील होता है इनको एड्रेस टेक लगा होता है सील लगा होता है सारा ठीक है लेकिन अगर आपने इस पावर पैक रिप्लेसमेंट किया सी ओ में उसके इसमें आप क्या करेंगे इस फार्मेट को आप भरेंगे अगर नहीं तो ऊपर से ये लिख दीजिए नीचे से आप क्रॉस आउट कर सकते हैं यानी नील वगैरह इसको कर सकते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ इलेक्शन फिर से जनरल इलेक्शन टू तो द लेजिस्लेटिव असेंबली आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नेम एंड नंबर ऑफ़ असेंबली कॉन्स्टिटुनसी मैंने आपको पहले बताया नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिवेंसी पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम ये भी आपको मैंने पहले ही बताया अब ये यहाँ पे देखिए क्या आपने भरना है यूनिक आईडी ऑफ कंट्रोल यूनिट क्या है जो उसका सीरियल नंबर है वो पेपर स्टर भी उसको लगी होगी वो वो डिस्प्ले पे भी दिखाएगा पीछे से भी उसको बराबर अच्छे से कंपनी की तरफ लिखा होगा क्या रीज़न रहा रिप्लेसमेंट का अरे लो बैटरी दिखा रहा होगा या बैटरी ख़त्म ही हुई होगी अब जो बैटरी वाला जो एरिया था वहाँ पे क्या होगा वो सील होगा उसको एड्रेस टेक जो लगा था उसका अपना एक सीरियल नंबर होता है यूनिक आईडी डी ऑफ ओल्ड एड्रेस टेक अब आप एड्रेस टेक को पहले काटना है फिर आप पावर पेक लगाएंगे जो पुराना वाला लगा था उसको जो आपने काटा उसका यहाँ पे आई यूनिक आईडी लिखनी है उस एड्रेस टेक की और जो नया लगाया उसकी यहाँ पे आपने लिखनी है और अच्छे से सील करना है देन अगेन वी हैव पोलिंग एजेंट्स नाम पार्टी

दबाया बंद किया यानी क्लोज बटन को दबाया ये कुछ पोलिंग एजेंट्स जो वहाँ पे मौजूद थे पहले पोलिंग ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पे का सीरियल पी वन पी टू पी थ्री यहाँ पर उनके सिग्नीचर्स और यहाँ पे फिर उसी तरह से पोलिंग एजेंट जो होंगे यहाँ पे सीरियल आएगा इस साइड यहाँ पे पोलिंग एजेंटों के नाम किस किस पार्टी के हैं ये किस कैंडिडेट का नाम क्या है और यहाँ पर हर एक का अपना सिग्नेचर पाएगा और लास्ट पे यहाँ पे हमारा जो है प्रोजाइडिंग ऑफिसर अपना सिग्नेचर करेगा दिस वॉज पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री ऑफ प्रोजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट कोई एक रिविजन करते हैं दिस इज मास्टर एनवे ऑफ हर ई वी एम पेपर्स यहाँ पे आपने नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लिखना है और यहाँ पे नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन हियर नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन इसमें क्या आएगा एनवल ऑफ हर अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डेड फॉर्म सेवनटीन सी का जो ऑफ है वो आएगा

प्रजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट वन जिसको मार्गपोल सर्टिफिकेट कहते हैं एंड देन वी हैव पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड वो इसमें डालने हैं और इसका नंबर है वन अपान थ्री और आखिरी चीज क्या है एनवेलोपर वी वी पी आई टी पेपर स्लिप्स ऑफ मार्गपोल वो ब्लैक कलर का होता है याद रखें ये जो मास्टर एनुलोप है इसको आप सील नहीं करेंगे सतारह सी वाला जो एनुलप है उसको भी सील नहीं करेंगे और प्रोजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट जो है इसको भी सील नहीं करेंगे ये जो वी वी पेट वाला पेपर स्लिप वाला जो एनवलोप है उसको आप सील करो मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे देखिए ये एनविलोप है वन अपन फोर ठीक है इसको भी हमने उसी में डालना है जैसे मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे फिर से नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन लिखा भी है एनविलोपर वी वी पी एटी पेपर स्लप ऑफ मार्क पोल के दौरान जो स्लिप्स निकलती हैं वहाँ पर ठीक है उनके लिए जो हमारा है एनविलोप है और आखिर में आपने क्या करना है इसको गम लगा के यहाँ से सील करना है ठीक है सील करने के बाद आपने जो पिंक पेपर सील है जो पिंक पेपर सील आपको दी जाएगी ऐसे लगाना है कुछ ऐसा इस साइड कुछ ऐसा इसके बेक वाली साइड लगाना है ठीक है आधा इधर आधा वो साइड ठीक है ये थी आज की वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद